अपने शहर की खबर देखने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को लाइक करें व शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। निरंतर बढ़ रही महंगाई के साथ ही शहर में व्याप्त जन समस्याओं के विरोध में व किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को नीमच की सड़कों पर कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश मित्तल, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, मुकेश कालरा ने संयुक्त रूप से बताया कि देश में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, आमजन का जीना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं नीमच शहर में जनहित की कई ऐसी समस्याएं जिससे आमजन जूझता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस द्वारा इस प्रदर्शन को हल्ला बोल नाम दिया गया है। कांग्रेस जनों द्वारा पैदल मार्च विभिन्न मार्गों से होता हुआ 40 चौराहा पहुंचा, जहां भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस के इस जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, राजकुमार अहीर, ओम दीवान, उमराव सिंह गुज्जर, ब्रजेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। स्वागत जिंदगी के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बिकना चाहिए, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं हैं उनके भाव बढ़ रहे हैं और किसानों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। लिया जाए और किसानों पे जो डंडा चला जा रहा है, कुछ चक्र चला जा रहा है, उसे बंद किया जाए। साथ ही नीमच में पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका के माध्यम से जितने काम हुए हैं सब अधूरे पड़े हैं और आम नागरिक नाली, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे खरंजे की समस्या हो, और कई भूमाफिया इन मामलों में सक्रिय है और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का।